अगेन थैंक यू वेरी मच। और मैं बस स्लाइड शेयर करने की परमिशन चाहता हूं। प्लीज थैंक यू। आई होप स्लाइड दिखाई दे रही होंगी। तो थैंक यू वेरी मच। हमारे ग्रेट ऑनरेबल डायरेक्टर्स को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, हमारे ग्रेट मेंटर्स को धन्यवाद देना चाहता हूँ, सभी सीनियर्स को जिनके प्रयासों की वजह से, एफर्ट्स की वजह से ज्यादा हैप्पीनेस वाला प्लान हमको मिल गया है। और इसका मतलब है आज पूरे भारत में हमारे सिप्स ऑफ एडवाइजर्स के घरों में हर परिवार के हर सदस्य के चेहरे पर बहुत सारी खुशियां हैं, हर चेहरा मुस्कुरा रहा है, हर घर में खुशियां हैं और हर व्यक्ति एक्साइटेड है, सुपर एक्साइटेड है और हर एक को लग रहा है कि अब तो जीवन में मोर तरक्की होने वाली है, ज्यादा खुशियां आने वाली है, बड़ी गाड़ी आने वाली है, बड़ा घर आने वाला है, तो सभी मुस्कुरा रहे हैं। तो मैं इस बात के लिए बहुत बहुत आभारी हूँ और धन्यवाद देना चाहता हूँ। हम सिप्सो को आज एक कल वृक्ष के रूप में देखते हैं, एक ऐसा वृक्ष के रूप में देख पा रहे हैं, एक ऐसा वृक्ष, एक ऐसा ट्री फल देने वाला जिसपे हर प्रकार का फल लगता है। हमने जीवन में कभी ऐसा फल नहीं देखा, या तो जिसमें एक ही फल देने वाला एक वृक्ष होता है, या तो केला ही देता है, या सेब देता है, या कुछ और फल देता है, लेकिन सिप्सो अब हमारे लिए ऐसा वृक्ष बन चुका है जो हर प्रकार के फल देने के लिए सक्षम है और हमको जीवन में हर तरह के फल देने के लिए तैयार है। और हम भी तैयार हैं कि अपनी इनकम को जस्ट डबल करने के लिए और इस कल वृक्ष से हर वो मनचाही मुराद को पूरा करने के लिए हम बहुत आभारी हैं इस बात के लिए और पूरा भारत इस बात के लिए तैयार है। अब हमें इस प्लान के माध्यम से मौका मिल गया है कि अब अपनी इनकम को 10 गुना कर पाएंगे। 10 गुना इनकम करने का मौका मिला, अपने चेक को 10 गुना भी बढ़ाने का मौका मिल गया है। जैसे हमने देखा कि ट्रिपल सी प्लान के अंदर, कॉस्मिक कॉर्पस प्लान के अंदर हमारे इनकम की कोई लिमिट्स नहीं है। अभी तक हम लोग पेयर इनकम में, फर्स्ट परचेज में भी 2 लाख की कैपिंग लेते थे और रिपर्चेज में भी पेयर इनकम पर 2 लाख रुपए लेते थे, यानी 4 लाख रुपए। तो 4 लाख रुपए ही ले पाते थे, 4 लाख रुपए लेकर के ही हम, और चाहे सेल्स हम कितनी भेजें लेकिन उसी इनकम को ले पाते थे। प्रयास भी करें तो प्रयास करके उस चेक पर आप देख सकते हैं यहाँ पर तो 58 रुपये मेरा बढ़ा है। तो उस प्रयास अगर हम करेंगे तो प्रयास करने पर ज्यादा 58 रुपये बढ़ रहा है या कुछ और बढ़ रहा है। तो वो सेल्स अब भेज रहे थे लेकिन सेल्स भेजने के बावजूद भी 4 लाख का ही चेक बन पा रहा था। लेकिन अभी मेरे को ये समझ में आया है कि ये ट्रिपल सी प्लान के तहत, कॉस्मिक कॉर्पस प्लान के तहत रैंक इनकम को अचीव करके और अपने ट्रेवल एंडोमेंट फंड को अचीव करते हुए और हमारे के साथ में जो लेवल के बोनसेस हैं उनको लेते हुए हम अपने इनकम में, इस चेक में मुझे ऐसे समझ में आया कि मैं एक जीरो भी लगा सकता हूं और 10 गुना भी इस इनकम को कर सकता हूं। ये मुझे मौका मिल गया है और ये सिर्फ मेरे को नहीं मौका मिला, ये भारत के हर उस एडवाइजर को मौका मिल गया है कि जिसके चेक में वो चाहे तो 10 से मल्टीप्लाई करके अपनी इनकम को, अपने बिजनेस को, अपनी टीम को, अपने अचीवमेंट को, अपने रिकॉग्निशन लेवल को, अपनी हर उस सक्सेस को 10 गुना बढ़ा सकता है, ग्रो कर सकता है और उस सक्सेस की हाइट्स तक पहुंच सकता है। और इतना प्लान को आसान कर दिया है, जिस तरह की कंडीशंस वर्ल्ड का जैसे हम समझ रहे हैं वो कंडीशंस नहीं है, हमारे लिए वरदान की तरह है, हमारे लिए अपॉर्चुनिटी की तरह है। आप देखेंगे ये हर तरह की इनकम को क्वालिफाई करने के लिए किसी भी छोटे लेवल से लेकर के बड़े लेवल तक बहुत ज्यादा मंथली शॉपिंग करने के लिए फाउंडेशंस नहीं डाली गई है। मात्र 5 BB है, मात्र 7 BB है, मात्र 10 BB है, मात्र 20 BB है, मात्र 25 BB है और हाईएस्ट लेवल तक भी 50 BB है। इससे ज्यादा तो हम ऑलरेडी करते ही है। सेफ शॉप इतने बेहतरीन और शानदार प्रोडक्ट है तो उससे ज्यादा हम ऑलरेडी करते हैं। 5 BB, 7 BB, 10 BB नाम मात्र के लिए है, पहली चीज। दूसरी भी चीज ये है, जैसे मैं रिपीट कर रहा था और फिर दोबारा से रिपीट करना चाहता हूं कि 3 सेल्स डाल करके 200-200 बिजनेस वॉल्यूम की, यानी 600 बिजनेस वॉल्यूम हम ऑलरेडी करते थे। वंस एक बार बुलसाई की इनकम को लेने के लिए हम 600 बिजनेस वॉल्यूम निकाला करते थे, लेकिन अभी हमारे सामने ऐसा मौका है कि लाखों रुपए की इनकम और करोड़ों की इनकम को लेने के लिए हमें तो मात्र फर्स्ट परचेज में मात्र 100 बिजनेस वॉल्यूम से ही सामने वाले को ज्वाइन कराना है। इसके साथ साथ में हर तरह के बेनिफिट्स और हर तरह की इनकम को लेने के लिए हम क्वालिफाई हो जाएंगे। तो ये बहुत बड़ा मौका मिला है। आइए आगे बढ़ते हैं। इस इनकम को 10 गुना करते हुए अपनी टीम को भी हमें 10 गुना करना होगा। मुझे ऐसे लगता है इस प्लान को अचीव करने के बाद, इस प्लान में एंटर करने के बाद और आज के बाद जो सेल्स जाएंगी, उन सेल के बाद हम भारत के हजारों डायमंड्स को, ढेर सारे लीडर्स को, सेफ शॉप की फैमिली को, हम सब लोग मिलकर के 1% क्लब में भी अब हम शामिल हो सकते हैं। हमें नहीं मालूम था कि इस बिजनेस के माध्यम से कभी जीवन में हम उस क्लब तक पहुंच पाएंगे। हम 10% में तो समझते थे, 5% में तो समझते थे, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि इस प्लान की बदौलत आज हमारे ग्रेट डायरेक्टर्स ने हमको एक ऐसा तोहफा दे दिया है जिस तोहफे के बदौलत 1% क्लब को भी क्वालिफाई किया जा सकता है। एक ऐसा मौका हमको मिला है।
हम देखेंगे हर आदमी का एक अच्छा सपना होता है एक अच्छी कार लेने का, वो भी लग्जरी कार लेने का। तो हम देख रहे हैं सेफ शॉप में कई सारे हमारे अचीवर्स हैं जो आज मतलब सुपर ब्रांड्स की गाड़ियों को आज ले रहे हैं, 80 लाख, 90 लाख, 1 करोड़ तक की गाड़ियों को अचीव कर रहे हैं, इससे भी ज्यादा, और अच्छे घरों में विलास को क्वालिफाई कर रहे हैं, अचीव कर रहे हैं, ड्रीम्स को ले, ड्रीम हाउस को बना रहे हैं, और भी बहुत सारी चीजों को क्वालिफाई करते चले जा रहे हैं। तो लेकिन इन सारी चीजों को अब ज्यादा लोगों तक भी उनको दिला पाना अब हमारे लिए बहुत आसान हो गया है, क्योंकि ये प्लान हमको मौका देता है अपनी इनकम को 10 गुना करने का, अपने बिजनेस को 10 गुना बढ़ाने का, अपनी इनकम के साथ साथ अपनी टीम को भी 10 गुना बढ़ाने का। ये सारे मौके और सारे फायदे हमको मिलने वाले हैं रीसेल करने की वजह से। आप जानते हैं हमारा जो बिजनेस है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस या फिर सेफ शॉप बिजनेस जो है वो मेंबर बनाने का बिजनेस नहीं है, ये हमारा सारा का सारा बिजनेस यूजर बनाने का बिजनेस है, 100% यूजर बनाने का बिजनेस है। जब हम किसी व्यक्ति को प्लान दिखाते हैं तो प्लान दिखाने के बाद उसको हम बताते हैं कि हमारे प्रोडक्ट इतने बेहतरीन है कि आप आजीवन का इस्तेमाल करिए, आजीवन आप इस्तेमाल करेंगे तो हमारा यूजर हो जाता है, और यूजर होने की वजह से हम उससे कई बार लगातार बहुत सारा बिजनेस वॉल्यूम जनरेट कर पाते हैं। आप जानते हैं कि फर्स्ट सेल पे पेयर इनकम के बराबर ही आपको एक और इनकम लेने के लिए हकदार हो जाते हैं। अगर आप जैसे ही रीसेलिंग करते हैं, रीसेल करना शुरू करते हैं, तो हमारी जो फर्स्ट परचेज इनकम जो हमको मिलती है पेयर इनकम, उसके साथ साथ एक और पेयर इनकम हमको मिलती है रीसेलिंग में या रीपरचेज में। दूसरी बात, हमको रैंक इनकम को भी क्वालिफाई करने के हकदार हो जाएंगे। जैसे हम रीसेल करेंगे बिजनेस वॉल्यूम सेम होगा, लेकिन उसी बिजनेस वॉल्यूम से उतना ही पेयर इनकम भी मिलेगा हमको पैरेलली, और नंबर वन पॉइंट, नंबर टू पॉइंट, हमको रैंक इनकम भी मिलना शुरू हो जाएगी जो ब्रॉन्ज से शुरू होगी और बहुत 18 रैंक तक हमको मिलने वाली है। ट्रेवल कार एंडोमेंट के भी हकदार बनते हैं। रीपरचेज करने पर आपको खुद के लिए डिस्काउंट भी मिलने वाला है, जैसे बताया सबने 20%। ऑल बिजनेस वॉल्यूम आपके टारगेट में और आपकी रिकॉग्निशन लेवल में भी शामिल होंगे, ये और भी धमाकेदार बात है। फाइनली हम डायमंडशिप को भी बहुत आसानी से और बहुत जल्दी अचीव करने वाले हैं। इसका मतलब हमारे को कुबेर का खजाना जो खोलने वाला है वो रीपरचेस अंदर ज्यादा खोलने वाला है। इसका मतलब मेरे को एक मोटी बात समझ में आती है कि रिटेल में है दम। रिटेल में दम कैसे है, आपको फिर से इस बात को समझना है कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में, सेफ शॉप बिजनेस में, हम जब लोगों को बताते हैं प्लान के बारे में, प्रेजेंटेशन के बारे में, तो हम उनको मेंबर नहीं बनाते, हम उनको यूजर बनाते हैं, और ये बिजनेस पूरा का पूरा यूजर बनाने का बिजनेस है। इसलिए हमको अभी इस बात पे ध्यान देना है कि हमारे जो भी साथी हैं जिनको हम बिजनेस में लेके आते हैं उनको सही जानकारी दें, पूरी जानकारी दें, और पूरी जानकारी देने के साथ ही अपने बिजनेस में उनको एंटर कराएं, क्योंकि इस बिजनेस में सिर्फ अधूरे वादे और इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन के दम पर उनको बिजनेस नहीं कराना है, और बल्कि उनको पूरी जानकारी देनी है, मिस इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है, पूरी जानकारी देनी है। पूरी जानकारी देकर के आप किसी को भी बता दोगे इस बिजनेस के बारे में और उसको इस बिजनेस की पावर 10% भी समझ में आ जाती है, तो डेफिनेटली वो डायमंडशिप का शिखर जरूर छुएगा, जरूर अचीव कर सकता है। ये बिजनेस ये बताता है कि हम देखते हैं कि आज प्रेजेंट में हमारे टीम में या सेफ शॉप जो टीम के लीडर्स हैं उनमें से बहुत कम लीडर्स ही ऐसे हैं जो सेफ शॉप के प्रोडक्ट्स की पावर को समझते हैं। सेफ शॉप के प्रोडक्ट्स के बारे में ऐसा फीडबैक मिलता है कि जिस घर में चला जाता है वहां लोग उसके फैन हो जाते हैं, दीवाने हो जाते हैं। जिस व्यक्ति ने सेफ शॉप के नॉनी प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर लिया उसने दोबारा किसी प्रोडक्ट को हाथ नहीं लगाया। जिसने डायबक केयर प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर लिया, पेशेंट ने, डायबिटीज के पेशेंट ने, तो दोबारा उसने किसी प्रोडक्ट की डिमांड नहीं किया उसके बाद, और उसके कंट्रोल कर दिया, उसको इतना फायदा मिला है। जिसने टूथपेस्ट यूज कर लिया सेफ शॉप का, उसके बाद उसे कभी दूसरे टूथपेस्ट की आवश्यकता नहीं पड़ी है। जिसने घर में मसाले इस्तेमाल कर लिए, इतने बेहतरीन क्वालिटी के मसाले मैं दावा कर सकता हूँ कि आपको कहीं और मिल ही नहीं सकते हैं, और आज इस तरह के प्रोडक्ट को सेफ शॉप के माध्यम से हमारे घरों तक पहुंचाया जा रहा है। तो क्यों ना हम लोग पहले इस्तेमाल करें और फिर उसके बाद प्रमोट करें। ये प्रोडक्ट को पहले खुद भरोसा करने की आवश्यकता है सभी सीनियर्स को, सभी साथी को, सभी लीडर्स को, उसके बाद हम अपने परिवारों में, घरों में, रिश्तेदारों में, फ्रेंड सर्कल में पहुंचाएंगे। ये बिजनेस में ज्यादा बिजनेस वॉल्यूम हमें अब जनरेट करने हैं, तो ज्यादा बिजनेस वॉल्यूम जनरेट करने के लिए अभी तक किसी व्यक्ति को हमने प्रेजेंटेशन दिया इस बिजनेस में लाना चाहते हैं, नए व्यक्ति को, नए प्रोस्पेक्ट को, तो हमने उनको बिजनेस के बारे में बताया और उनको 200 बिजनेस वॉल्यूम से ज्वाइन कराया या 100 बिजनेस वॉल्यूम से ज्वाइन कराया। फर्स्ट परचेज, फर्स्ट एंट्री, न्यू सेल, अगर हमने 200 बिजनेस वॉल्यूम से कराई या 100 बिजनेस वॉल्यूम से कराई, जो कि मिनिमम है, और साथ ही साथ हमने उसको रीपरचेज के लिए भी 100 बिजनेस वॉल्यूम के लिए एनकरेज कर दिया, यानी उनके हमने एक साथ 2 ऑर्डर बना दिए, या चाहे तो 200 बिजनेस वॉल्यूम से उनको एंटर कराया और उनको रीपरचेज के लिए भी एनकरेज किया, उनके महत्व को बताया, प्रोडक्ट्स के महत्व को बताया, और अगले महीने तक उनको प्रोडक्ट का हर बार अलग अलग प्रोडक्ट्स हमारे पास वाइड रेंज है बहुत ज्यादा। रीपरचेज में हमारे पास
बहुत सारे प्रोडक्ट तक आ गए हैं। हमने सोचा नहीं था कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में काजू बादाम तक आएंगे। हमारे डायरेक्टर्स ने काजू बादाम तक घर में दे दिए, देसी घी तक दे दिया, और चाहिए क्या, हर जो प्रोडक्ट हम चाहते थे उससे कई गुना ज्यादा उम्मीदों पर हमको बहुत सारे प्रोडक्ट्स दिए। तो बात समझने की है कि हमने आज एक व्यक्ति को जनवरी माह में ज्वाइन कराया, और जनवरी माह में ज्वाइन कराने के बाद में या प्रेजेंट में अक्टूबर में ज्वाइन कराया, और अगले 12 माह तक 100 बिजनेस वॉल्यूम उनसे प्रति माह हमने जनरेट कराया। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने एक व्यक्ति को 200 बिजनेस वॉल्यूम से एंट्री दिलाई फर्स्ट परचेज में, और अगले 12 माह तक 100-100 बिजनेस वॉल्यूम प्रति माह के हिसाब से उनको 100% यूजर बनाया। प्रोडक्ट सेल्फ परचेज उन्होंने किए, रीपरचेज में उन प्रोडक्टों को घर में इस्तेमाल भी करेंगे बाद, और साथ साथ उन प्रोडक्टों को फैमिली में, फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को भी दे सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं एमआरपी पर। तो टोटल मिलाकर के हमको बिजनेस वॉल्यूम तैयार हो जाएगा हमारे लिए एक व्यक्ति से कितना, 1400 बिजनेस वॉल्यूम, जो कि 7 गुना होता है। आप देखेंगे कि जनरली हम जब डायमंड बनने के लिए क्वालिफिकेशन हमारी कंपनी की ओर से है कि 200 बिजनेस वॉल्यूम की एक फुल सेल हो और 10,000 सेल्स अगर टीम में आती है तो आप डायमंड क्वालिफाई कर जाते हैं। ये हमारा मिनिमम क्वालिफिकेशन है। इस क्वालिफिकेशन को हम ऐसे समझ सकते हैं कि एक व्यक्ति से हम 200 बिजनेस वॉल्यूम की सेल लेते हैं तो 10,000 सेल चाहिए। अगर एक व्यक्ति से ही हम क्यों ना 7 गुना सेल ले ली जाए, मतलब आप उस व्यक्ति को 200 बिजनेस वॉल्यूम से पहली एंट्री दिलाएंगे, फिर एक एंट्री दिलाने के बाद छोड़ेंगे नहीं, बार बार 100 बिजनेस वॉल्यूम की एंट्री हर बार दिलाएंगे, प्रति माह दिलाएंगे, तो 12 महीने में उससे 1200 बिजनेस वॉल्यूम और ले लेंगे, तो 1200 प्लस 200 टोटल 1400 बिजनेस वॉल्यूम होता है, जो कि 7 गुना होता है। यानी हमने एक व्यक्ति से 7 गुना बिजनेस वॉल्यूम लिया। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप बताइए, एक व्यक्ति किसी काम को करता है और 7 साल में अचीव कर लेता, 7 साल में अचीव करता है किसी लेवल को अकेला करके, लेकिन उसी के साथ में अगर 7 गुना एफर्ट्स डाल दिए जाएं, 7 गुना काम होना शुरू हो जाए, तो वही काम जो 7 साल में हो रहा था वही काम 1 साल में अचीव हो जाएगा। ये पावर हो जाएगी रीपर्चेज की वजह से इस बिजनेस के अंदर। आप देखेंगे हम न्यू डायमंड क्वालिफिकेशन इज ओनली 10,000 सेल्स, अगर 7 से डिवाइड कर देते हैं तो 1428 की टीम तकरीबन आती है, यानी तो पास बनने की टीम के लगभग आसपास, या हम मान सकते हैं 1500 की टीम के आसपास ऐसे मान सकते हैं, या वीकर लेग में करीब 500 की टीम जैसे बनाते हैं तो आप डायमंड क्वालिफाई कर जाते हैं। मतलब रीसेल की इतनी बड़ी पावर है, एक व्यक्ति से 7 गुना बिजनेस वॉल्यूम ज्यादा ले पाएंगे। ज्यादा कब ले पाएंगे, जब हम खुद यूज करेंगे, मुझे जो प्रोडक्ट इस्तेमाल में करूंगा तो वो प्रोडक्ट से मुझे मेरा बिलीफ बढ़ेगा उसमें, और जब मेरा बिलीफ बढ़ेगा मेरी फैमिली की टेस्टिमनीज बनेंगी, उन टेस्टिमनीज को रिकॉर्ड करिए, वीडियोस को दिखाइए, और आपकी फैमिली में, आपके परिवार में, आपकी टीम में सभी लोगों को प्रोडक्ट यूज करने के बाद क्या फायदे हो रहे हैं उसका फीडबैक लीजिए, टीम में बताइए, दिखाइए, और वो लोग भी प्रतिमाह इस तरह के प्रोडक्ट की रेंज है कि प्रतिमाह लेने के लिए खुद ही एनकरेज होंगे। इसके लिए एनकरेज करना है। डायमंड मित्र एक साल में आप क्वालिफाई कर जाते हैं अगर 7 गुना बिजनेस वॉल्यूम ले लेते हैं, तो डायमंड बनकर जल्दी सपने पूरे करना आसान होगा। हर किसी का सपना होता है लगातार रीपर्चेस करने से, हम कंपनी के लॉयल्टी क्लब में भी शामिल होंगे, राइट डुप्लीकेशन करने का मौका मिलेगा, और हमारा बिजनेस राइट डुप्लीकेशन करने पर बहुत ज्यादा आधारित है, और इससे साथ साथ हम टारगेट भी अचीव कर पाएंगे। रिटेल में है दम, कोई सिल्वर लीडर है आज, इसकी रिकॉग्निशन लेवल सिल्वर है, सिल्वर पोजीशन पर है, और यदि वो खुद भी 100% यूजर है, यानी सेफसॉफ्ट के प्रोडक्ट का इस्तेमाल करता है और आगे प्रमोट भी करता है, तो रेगुलरली बेस पे वो 100 बिजनेस वॉल्यूम पर मंथ प्रति माह वो अगर प्रमोट करता है, और किसी व्यक्ति की टीम में 50 सेल्स उन्होंने किए हैं, सिल्वर बनने के लिए 50 सेल्स करना जरूरी है बैलेंसिंग के हिसाब से, इट मीन्स हम ऐसे मान सकते हैं कि आपकी वीकर लेग में 10 सेल हैं, 10 लोग हैं जो काम करने वाले और एक्टिव हैं। मैंने ये लिखा है कि मात्र 50 की टीम में 20 ही लोग आपके एक्टिव काम करने वाले लोग हैं, ऐसे लिखा है। 20 का मतलब है आपकी वीकर में 10 लोग हैं, और 10 लोग प्रतिमाह अगर 100-100 बिजनेस वॉल्यूम करते हैं तो 1000 बिजनेस वॉल्यूम क्रिएट होता है आपकी वीकर लेग में। इसका मतलब उस माह का चेक आपका 5000 का होगा। आप सिल्वर लेवल पर है, आपकी टीम का एक व्यक्ति सिल्वर है, और जो आप पैसा कमा रहे थे पेयर इनकम में फर्स्ट परचेज में वो आपको मिलेगा। इसके अलावा साथ साथ रीपर्चेज प्रमोट करने की वजह से आपको 5000 की इनकम होना अलग से होना शुरू हो गई। ये तो हमारा हुआ पेयर इनकम, लेकिन साथ साथ जैसे ही आप ये इनकम को क्वालिफाई करते हैं तो आप सेकंड रैंक अचीव करने का भी आपको मौका मिल जाएगा सेकंड मंथ में ही, यानी इस बार इस महीने में आप फर्स्ट रैंक की इनकम को क्वालिफाई कर लेते हैं और दूसरे महीने में दूसरी रैंक को इनकम को क्वालिफाई करने के लिए आप तैयार हो जाते हैं। साथ ही साथ हमको ट्रेवल फंड के लिए हम क्वालिफाई करना शुरू हो जाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक छोटे से लेवल पे व्यक्ति भी अपनी इनकम को प्रतिमाह 5000 से लेकर 10000 रुपए तक एक्स्ट्रा ले सकता है, जो कि बहुत शुरुआत है उसने की है और बहुत छोटे लेवल पर है, और अपने मिशन डायमंडशिप के लिए वो तैयार हो जाता है। कोई व्यक्ति गोल्ड लेवल पर है आज, उदाहरण के लिए जिसकी आईडी पर गोल्ड लेवल शो कर रहा है, और ऐसा मानते हैं कि 250
जो फुल सेल्स के साथ उन्होंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया। उनकी टीम में 250 फुल सेल्स के साथ टीम है और उसमें से 40% टीम काम कर रही है, मात्र 100 ही लोग काम कर रहे हैं। 100 में उनकी वीकर लेग में मात्र मानते हैं, 250 की टीम वाले व्यक्ति की वीकर लेग में मात्र 50 की टीम एक्टिव है। और उनको वो व्यक्ति अगर 100 बिजनेस वॉल्यूम रिपर्चेज के यूजर बनाने पर डाल देता है राइट डुप्लीकेशन पर, तो उसको 5000 बिजनेस वॉल्यूम वीकर लेग में जनरेट होता है और आपका चेक इस वीक, उस सप्ताह का नहीं, उस महीने का अलग से रिपर्चेज का आपको 25000 का बनेगा और आप सेकंड रैंक इसी माह में सेम मंथ में क्वालिफाई कर लेंगे। तो आप पहली रैंक और दूसरी रैंक दो इनकम रैंक की इनकम को रैंक को क्वालिफाई करने के लिए तैयार हो जाते हैं और ट्रेवल एंडोमेंट आपको भी मिलेगा। और इस कारण से अगर इस स्पीड से आप काम करते हैं तो इसी लेवल पर काम करते हो आपको विद इन अ ईयर आपको डायमंड से अचीव हो जाती है। कोई व्यक्ति पर्ल है, पर्ल की 500 की टीम तकरीबन होती है फुल सेल्स के आधार पर, और अगर आपकी टीम में 100 लोग भी काम कर रहे हैं तो 100 लोगों के हिसाब से भी 10000 बिजनेस वॉल्यूम तैयार होता है जो कि आपको 50000 का चेक लेने के लिए तैयार कर देता है और बाकी इनकम आपको मिलेंगी। ऐसी टोपाज लेवल पर आप देखेंगे आपकी 1250 की टीम है और 250 लोग ही है मात्र आपकी वीकर लेग में, तो वीकर लेग में 250 लोग अगर 100 बिजनेस वॉल्यूम प्रति माह यूज करना शुरू कर देते हैं, प्रमोट करना शुरू कर देते हैं, प्रोडक्ट बहुत ही पावरफुल है, बहुत ही दमदार प्रोडक्ट है। अगर हम यहाँ पे प्रमोट नहीं करेंगे, यहाँ पे नहीं बताएंगे, तो भी कोई टूथपेस्ट यूज कर रहा है, तो भी कोई क्रीम लगा रहा है, तो भी कोई शैम्पू लगा रहा है, तो भी हल्दी खा रहा है, मसाले खा रहा है, चावल खा रहा है, चाय पी रहा है, तो कहीं ना कहीं और से ला रहा है, जबकि प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है मालूम नहीं, लेकिन सेफसो के प्रोडक्ट दमदार है और यहीं से रिप्लेस कर देना है उनको। यहाँ से जो प्रोडक्ट वो बाहर से इस्तेमाल कर रहे हैं वो प्रोडक्टों को यहाँ पर रिप्लेस कर डालना है, तो डेफिनेटली मिनिमम 100 बिजनेस वॉल्यूम तक हम पहुंचा सकते हैं। और वो व्यक्ति तो पास लेवल पर 1,25,000 प्रति माह अलग से जो पैसा कमाता है उसके अलावा 1,25,000 रुपए पेयर इनकम यानी रीपर्चेज इनकम का लेने के लिए हकदार हो जाता है। रैंक इनकम जो बहुत ही पावरफुल है, वो रैंक इनकम आपको अकॉर्डिंग टू लेवल आपको मिलेगी ही मिलेगी और आप तैयार हो जाते हैं अगले 6 माह के अंदर या अगले 9 माह के अंदर ही आप डायमंड को क्वालिफाई कर लेते हैं। कोई अमराल लेवल पे व्यक्ति है अगर राइट डुप्लीकेशन पर डालना शुरू कर देता है अभी से नेटवर्क को, तो अगले 6 महीने में, अगले 8 महीने में उसका भविष्य क्या है, जो आज एमरल्ड है अगले 1 साल में उनका भविष्य क्या है, तो फ्यूचर को हम देखते हैं। एक व्यक्ति अगर अपनी टीम में 500 लोग भी तैयार करता है, 500 लोग 100% यूजर तैयार करता है और 100 बिजनेस वॉल्यूम के हिसाब से रेडी होते हैं, तो वीकर लेग में 50000 बिजनेस वॉल्यूम प्रति माह जनरेट होता है। 50000 बिजनेस वॉल्यूम का मतलब है आपका चेक 2.5 लाख बनना चाहिए वैसे तो, लेकिन कैपिंग है आपकी 2 लाख रुपए की, तो 2 लाख आप फर्स्ट परचेज में और 2 लाख आपकी रीपर्चेज कैपिंग के आप हकदार बन जाते हैं। इसके अलावा संजय जैन सर ने बताया कि इस लेवल पर आपकी रैंक इनकम जो है वो कई लाखों में होने वाली है, तो इस तरह से आप उस इनकम के लिए भी क्वालिफाई हो जाते हैं। सुखद और सुनहरा भविष्य है सेफ शॉप में, कैसे है एक लाइन में बताना चाहता हूं। हमारा भविष्य सुखद और सुनहरा कैसे है? कोई व्यक्ति डायमंड बन जाता है, आज काम करके डायमंड बन जाता है। कोई व्यक्ति डायमंड क्यों बने वो एक लाइन में बताना चाहता हूं। डायमंड बनने के लिए आज मेहनत ज्यादा करनी है, आज ज्यादा प्रयास करना है, आज मतलब सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए घर से बाहर निकलना है, लोगों से मिलना है और डेली 10 लोगों से टच करने का अभियान बनाना है और आज एफर्ट डालने हैं, सुबह जल्दी जग के देर रात तक काम करके एक्स्ट्रा एफर्ट डालने हैं। हमारे डायरेक्टर्स, हमारे सीनियर्स 18 घंटे तक का कमिटमेंट देते हैं। रजत सर को मैं देखता हूँ 18 घंटे काम करते हैं, तो उनसे हमको प्रेरणा मिलती है, तो वो तो ऑलरेडी इतने समृद्ध हैं और इतने पावरफुल हैं, तो वो आज 18 घंटे कमिटमेंट देते हैं तो हमको प्रेरणा मिलती है उनसे कि हम भी 18 घंटे काम कर सकते हैं अपने सुखद और सुनहरे भविष्य को बनाने के लिए। तो डायमंड लेवल का व्यक्ति कोई अगर डायमंड बन जाता है तो क्या होगा? अगर आपने डायमंड बन गए कैसे भी करके, प्रयास करके, 1 साल में काम करके, तो और आपने अगर आपकी टीम में कुल 20% लोग यानी 1000 लोग भी, 1000 लोग आपके वीकर साइड में काम कर रहे हैं और वीकर साइड में 50 बिजनेस वॉल्यूम में, 100 नहीं पर मंथ 50 बिजनेस वॉल्यूम भी अगर कोई व्यक्ति रीपर्चेज करना शुरू कर देता है और हम उस पर 100% यूजर पर डाल देते हैं, तो आपकी टीम से 50000 बिजनेस वॉल्यूम प्रति माह निकलना शुरू हो जाता है और आप यहां से एडिशनल 2 लाख इनकम को लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। जो आप पैसा कमा रहे थे मेन बिजनेस से, उसके अलावा आपको 1 करोड़ रुपए साल का मिलना शुरू हो जाता है। ये है आपका भविष्य, ये है हम सभी का भविष्य, ये है पावर रीपर्चेज की, और साथ ही साथ ये आपको 18 रैंक का भी इनकम क्वालिफाई कराने के लिए तैयार कर देता है। 18 रैंक की इनकम को अगर जोड़ते हैं तो इनकम आपकी करोड़ों में जाती है, कई करोड़ों में जाती है। हमारे संजय जैन सर इसके बारे में आपको बताएंगे कि वो इनकम कितनी हो सकती है, करोड़ों में इनकम करने के क्वालिफाई हो जाते हैं, लेकिन ये इनकम आपको 1 करोड़ रुपए सालाना का देना शुरू कर देती है। ये है डायमंड बनने का भविष्य, इसके लिए आज एफर्ट डालने की आवश्यकता है। डायमंड आसानी से कैसे बने, तो फर्स्ट परचेज के साथ साथ अब हमको रीपर्चेज भी प्रमोट करना होगा। नंबर 1 पॉइंट,
नंबर टू पॉइंट, एक साथ जब व्यक्ति की हम एंट्री डालेंगे तो उसके दो ऑर्डर बनाएंगे, पहला ऑर्डर फर्स्ट परचेज के लिए 100 बिजनेस वॉल्यूम मिनिमम और बाकी बिजनेस वॉल्यूम सारा रीपर्चेज में डालेंगे, दो ऑर्डर बनाएंगे हम। तीसरा, प्रोडक्ट का महत्व बताना बहुत जरूरी है। प्रोडक्ट का महत्व बताने के लिए आपके पास अपने खुद के प्रोडक्ट्स होने चाहिए, आपकी किट बैग में होना चाहिए, जिनको आप यूज करते हैं उनके लाइव टेस्टिमोनियल्स होने चाहिए, वीडियोस होने चाहिए, अपने टीम में प्रमोट करें बताएं, अपने घर में जरूर इस्तेमाल करना है। 20% बेनिफिट ऑन रीपर्चेज बताएंगे। आप पर्सनल शॉपिंग पर, परचेजिंग पर, किसी भी जगह पर हमको लगातार नहीं मिलता, लेकिन हर ऑर्डर पर हमको 20% डिस्काउंट मिलने वाला है। इस पॉइंट को हाईलाइट करेंगे, उसके बारे में महत्व बताएंगे। इसके अलावा और ज्यादा बिजनेस वॉल्यूम कैसे कर सकते हैं, तो आपकी टीम में जो भी काम करने वाले साथी हैं, सुबह टास्क बनाइए, हर रोज सुबह मॉर्निंग में टास्क बनाइए जगते समय 6 बजे 7 बजे कि आज सबसे बेस्ट कौन करेगा। और जो भी आपकी टीम में 20 लोग काम करने वाले हैं, जो दूसरों से थोड़ा ज्यादा करता है, उनको परफॉर्मर ऑफ द डे से सम्मानित करिए। वही होगा परफॉर्मर ऑफ द डे, वही होगा स्टार ऑफ द डे, वही होगा बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द डे। रिटेल के हीरोज आइडेंटिफाई करिए अपनी टीम में, हमें रिटेल के हीरो तैयार करने हैं। रिटेल के हीरो कैसे तैयार करेंगे, रिटेल के हीरो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो आप पूरे एक सप्ताह का कमिटमेंट बनाइए अपनी टीम के साथ में। आपकी टीम में फ्रेशर, सिल्वर, गोल्ड, पर्ल, कुछ भी हो, कोई भी हो, आप जिस लेवल पे काम करते हैं, आपको अपनी टीम के टॉप 20 को छांट लेना है। टॉप 20 नाम सेलेक्ट करिए जहां पर आप काम करते हैं, वीकर लेग से, जहां आपका फोकस है, जहां आपका इंटरेस्ट है, वीकर लेग से टॉप 20 को छांटिए। उन टॉप 20 के साथ काम करना शुरू करिए और उन टॉप 20 में से जो व्यक्ति एक वीक में बेस्ट परफॉर्मेंस देता है, उनको फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक और थर्ड रैंक के लिए आइडेंटिफाई करिए। प्रति सप्ताह सभी लोगों के बीच में, पूरे सेंट्रल लेवल पर, पूरी मीटिंग्स में आप अपनी पूरी टीम के साथ सबके सामने उनको सम्मानित करिए, उनको सम्मान दीजिए। एक सप्ताह में रिटेल बिजनेस वॉल्यूम सबसे ज्यादा जनरेट करने वाले ये लीडर का नाम है, इन्होंने फर्स्ट रैंक को अचीव कर किया है, इनके लिए बहुत 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 बधाई, कंग्रेचुलेशन। इन्होंने सेकेंड रैंक को अचीव किया है, बहुत 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 बधाई, और इन्होंने थर्ड रैंक को अचीव किया है। तो ये आपके रिटेल के जो हीरो बनेंगे, ये बिजनेस, ये हीरो आप टीम से बनाइए, ये आपको हीरो बना देंगे ये बिजनेस। सो रिटेल प्रोडक्ट्स इन ऑनलाइन प्रेजेंटेशन। अब हमको एक काम करना होगा, क्योंकि अभी आप जानते हैं कि अब हम दोनों तरह से काम कर रहे हैं। अब हम फिजिकली लोगों को प्लान बताते भी हैं और ऑनलाइन भी बताते हैं, जूम के थ्रू बताते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू बताते हैं। अब हमको पहले वेन्यूज पर हम वीकली प्लान प्रेजेंटेशन करते थे, अब हमको डेली प्लान प्रेजेंटेशन करने हैं। बड़ी गैदरिंग के भरोसे नहीं बैठना, बड़ी गैदरिंग में आप 50 लोगों को एक साथ दिखाएंगे, 500 को एक साथ दिखाएंगे, नो डाउट उसका फायदा होता ही होता है, लेकिन अब हमको छोटी गैदरिंग में भी प्लान दिखाने हैं। आपके 10 लोग इकट्ठा होते हैं, 10 को दिखा दो, आपके सुबह इकट्ठा हो रहे हैं 5, 5 को दिखा दो। डेली डेली प्रेजेंटेशन करने हैं, और दिन में 2 करने पड़े, 3 करने पड़े, करिए, अपनी टीम के थ्रू भी करवाइए, और उसमें प्रोडक्ट्स का डेमो दीजिए, प्रोडक्ट्स को दिखाइए लाइव, फोटो नहीं, दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, प्रोडक्ट्स को हाथ में रखना है, नो नहीं, हाथ में रहना चाहिए, जरूरी है। भगवत गीता को हाथ में दिखाना है, टच करके दिखाना है। वीकली डेली ऑर्गेनाइज प्लान प्रेजेंटेशंस करिए। इसके अलावा फोकस ऑन क्लोजिंग सेल ऑन डेली बेसिस। जो आप सेल ऐप के लिए प्लान प्रेजेंटेशन दिखाते हैं, उसकी क्लोजिंग को डेली की डेली क्लोज करने की फोकस करिए। अरेंज प्रोडक्ट्स ट्रेनिंग वीकली। अपनी टीम में जितना भी आपको जानकारी हुई है, जितने भी प्रोडक्ट्स की टेस्टिमोनियल वीडियोज इकट्ठे हुए हैं, उनको आप हर सप्ताह के सप्ताह अपनी टीम में जूम मीटिंग के द्वारा दिखाइए, बताइए, और उनकी ट्रेनिंग भी करिए। गिव रेफरेंस ऑफ यूज ऑफ प्रोडक्ट्स इन योर होम। अपने घर में जो भी आप प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं, उनके फोटोज और उनके बारे में जरूर रेफरेंस दीजिए, बताइए, वीडियो बनाइए और प्रमोट करिए। गिव कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट प्रोडक्ट्स, उनके बारे में सही जानकारी दीजिए। कंपनसेशन प्लान के बारे में आधी अधूरी जानकारी नहीं देनी, पूरी जानकारी देनी है। पूरी जानकारी इसलिए देनी है क्योंकि इसके अलावा एक काम का और ध्यान रखना है, डोंट्स में क्या ध्यान रखना है, डू नॉट प्रमोट मिस सेल्स नहीं करनी हमको, गलत तरीके से गलत वादे करके और फॉल्स कमिटमेंट करके काम नहीं करना है। डू नॉट गिव एनी फॉल्स और रॉन्ग कमिटमेंट। अवॉइड इनकम्प्लीट और मिस इन्फॉर्मेशन अबाउट प्रोडक्ट्स। किसी भी प्रोडक्ट के बारे में, किसी भी हमारे कंपनसेशन प्लान के बारे में आधी अधूरी जानकारी मत दीजिए किसी को, पूरी जानकारी दीजिए। इससे क्या फायदा होगा, मैं अपने ऊपर उदाहरण लेता हूँ। अगर मुझे मेरे स्पॉन्सरशिप ने, स्पॉन्सर व्यक्ति ने अगर मुझे जानकारी सही नहीं दी होती, या आधी जानकारी दी होती, अधूरी जानकारी दी होती, तो मैं इस बिजनेस की पावर को समझ नहीं पाता, और समझ नहीं पाता तो मैं इस बिजनेस को क्विट कर देता, निकल जाता, और मेरी जिंदगी बदलने से रह जाती। इसका मतलब आधी अधूरी जानकारी किसी की जिंदगी बदलने की बात है, किसी की जिंदगी में यूटर्न लाने की बात है, किसी की जिंदगी में बदलाव लाने की बात है। इसलिए किसी को भी इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन मत दीजिए, उसको पूरी जानकारी दीजिए, सही जानकारी दीजिए, प्रोडक्ट से पावर उसको बताइए, और आप देखिए जहां आपके कब्जे में होगा, आप स्टार होंगे, बेस्ट परफॉर्मर होंगे, डायमंड में आपका नाम होगा, और डायमंड ही नहीं बनेंगे, अब तो हमारे लिए एक बड़ा टास्क बन गया है,
यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर बनने का, और हमें मालूम हम लोग मिलकर उसको अचीव करेंगे। अब हम साथ में, पूरी लीडरशिप साथ में, डायरेक्टर्स हमारे साथ में, हमारे मेंटर हमारे साथ में, और अब आप लोग भी अपनी कमर कस लीजिए, अब हम आपके साथ में तैयार खड़े हैं। पूरे इंडिया को नाप देना है, हम आपके साथ खड़े हैं। थैंक यू वेरी मच। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम देना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, जय सिर्फ सौ। थैंक यू।